गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रीसी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। तो आज हम सीएसएस 2021 के प्रीसी के पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट जो हम ले रहे हैं वो है प्रीपोजिशंस की, जो आए थे वहां पे करेक्शंस या प्रीपोजिशन के फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखें गाइस, पहला जो आया था द नेविच वोल्ट वाज एबल देश कन्विंस ऑफ द टिक टू लेट हिम देश इज होम। तो देखें एबल के साथ हमेशा टू ही आता है, आपको पता है। तो एबल टू आएगा, यहाँ पे आएगा इन टू होम, क्योंकि कोई किसी घर के अंदर जा रहा है तो इन टू ही आएगा। दूसरा जो आया था सीएसएस में वो था आई लुक दिस वर्ड देश इन टू द डिक्शनरी। जब भी आप लुक आए वर्ड के साथ किसी चीज को, तो लुक अप ही आप यूज कर सकते हैं, वो यही बेहतर है। नेक्स्ट जो आया था तीसरा वो था आई नीड टू लर्न दिस वर्ड वेब्स बाय देश हर्ट बाय टुमारो। यहाँ पे क्या है, लर्न बाय हर्ट, तो ये कोई सारे बच्चे ही जानते हैं, लर्न बाय हर्ट ही होगा। और कब, कल तक कहेंगे ना, जब ये हो कल तक आप कोई काम कर रहे हैं तो बाय ही आएगा, बाय टुमारो, ठीक हो गया। अच्छा, इसके मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है, अंटिल और बाय में भी काफी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग वो वीडियो देख लें, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उधर मैं डिटेल से मैंने आपको बताई कि कहाँ पे आप बाई यूज करोगे, कहाँ पे अंटिल या दूसरे वर्ड्स यूज करोगे। नेक्स्ट जो चौथा था वो था द मॉक इज रेडोलेंट देश विद द ऑर्डर ऑफ द डिसीज्ड इंडिविजुअल्स। तो मॉक का मतलब है मुर्दा खाना जहाँ पे लाशें रखी जाती है, ठीक है। रेडोलेंट विद का मतलब, अब देखिए रेडोलेंट के साथ हमेशा विथ ही आएगा, ठीक हो गया, तो ये याद रखें आप लोग। यानी मुर्दा खाने में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मुख्तलिफ लाशों के बू से वो भरा हुआ था, ये हो गया, ठीक हो गया। या वहाँ वो यानी रेडोलन का मतलब है जो कोई ऐसी बू जो आपको किसी चीज के बारे में याद दिलाए, ठीक हो गया। तो ही इज कॉजिटेटिंग देश, यानी इसका मतलब है, कॉजिटेट का मतलब है कि कोई ज्यादा सोचना, गौर फिक्र करना। जब गौर फिक्र कॉजिटेट के साथ अपॉन ही आएगा, ठीक हो गया, तो अपॉन यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो था वो था ही वाज रेसिटेंट देश डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक हो गया। यहाँ रेसिटेंट के साथ हमेशा टू ही आएगा, इसको आप याद रखें, ठीक हो गया। और इसकी मजीद प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चंस इसके बारे में आ सकती हैं। नेक्स्ट जो था हिज बॉडी इज इंपेरियस देश मॉइस्चर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टू लिखेंगे भाई, तो इंपेरियस के साथ हमेशा टू ही आएगा, यानी इसका मतलब है कि इसको बॉडी को मॉइस्चर से कोई खतरा नहीं है, यानी उस पर असर नहीं करेगा। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था अहमद अप्लाइड देश द बैंक फॉर ए लोन। अब देखिए यहाँ पे अप्लाइड कर रहा है, कहाँ पे, बैंक पे कर रहा है, तो टू आएगा यहाँ पे, ठीक होगा। या एट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ लोग इसको एट भी बोलते हैं, कुछ टू का कह रहे हैं भाई, तो आई थिंक दोनों आप इसको यूज कर सकते हैं। और याद रखें यहाँ पे फॉर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि अहमद अप्लाइड फॉर हमेशा ना किसी उसके लिए आएगा, क्या कहते हैं, किसी पर्पज के लिए। तो फॉर लोन तो यहाँ आ गया, ठीक है। आप किसी जगह की तरफ जा रहे हैं तो टू या एट ही आएगा। तो गाइस पहले बैच इनको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और अगले नेक्स्ट जिसमें हमें सेंटेंस करेक्शंस और दूसरे प्रीसी वगैरह भी कराऊंगा आपसे, उनका वेट करें। थैंक यू।